हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं अकवा आज मैं आपको बताऊंगी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ये चैप्टर नंबर सेवन के क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ कंपनी एक्सप्लेन द मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी कंपनी क्या है और इसके मैन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ से बनाई गई है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ कंपनी का खुद का नाम होता है कंपनी के खुद के असिट्स होते हैं कंपनी खुद अपने नाम से चलती है कंपनी एक इंसान तो नहीं है लेकिन इंसान जैसे सारे काम करती है कंपनी का खुद का साइन यानी कॉमन सील होती है उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साइन यानी कॉमन सील के बिना कोई भी वैल्यू नहीं रखते मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं इसके लिए दूसरी वीडियो अपलोड कर दूँगी नेक्स्ट वॉट इज शेयर एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ शेयर इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने आपको शेयर को बहुत डिटेल में समझाया है आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ शेयर वो होते हैं जब भी कैपिटल को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें तो हर उस एक छोटे टुकड़े को हम शेयर कहते हैं यानी कैपिटल है एक लाख की और उसका एक छोटा टुकड़ा है सौ रुपये का तो उस सौ रुपये का जो टुकड़ा है ना यूनिट है उसको हम शेयर कहेंगे टाइप्स ऑफ शेयर शेयर दो टाइप के होते हैं इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंस शेयर भी कई टाइप के होते हैं डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर जो होते हैं इनको ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहा जाता है इक्विटी शेयर्स में ज़्यादा रिस्क होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको उनका डिविडेंड यानी प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट है डिविडेंड है वो फिक्स रहता है और उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रॉफिट मिलता है नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर शेयर जो हैं वो तीन तरीके से इशू किए जाते हैं पहला इशू एट पर इशू एट डिस्काउंट इशू एट प्रीमियम अगर शेयर की फेस वैल्यू जितनी है उतने में ही हमने शेयर बेच दिया तो उसको हम इशू एट पर कहते हैं यानी शेयर दस रुपये का है और उसको दस रुपये में ही बेच दिया तो या, यानी जितनी फेस वैल्यू थी उतने में ही बेच दिया लेकिन अगर शेयर दस रुपये का है और उसको ग्यारह रुपये में बेच दिया तो उसको हम बोलेंगे इशू एट प्रीमियम और अगर शेयर दस रुपये का है और उसे नौ रुपये में बेचा है तो हम उससे बोलेंगे इशू एट डिस्काउंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन जब भी कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो फर्स्ट एप्लीकेशन का पैसा एडवांस में आता है यानी कंपनी ने दस हज़ार शेयर इशू करे हैं और उनके पास अब एप्लीकेशन का पैसा जो एडवांस में आया है वो बारह हज़ार शेयर का आ गया तो उसको बोलते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन और अगर कंपनी ने दस हज़ार शेयर इशू करे हैं और उसमें से सिर्फ पैसा उनको रिसीव आठ हज़ार शेयर का हुआ है एप्लीकेशन का तो उसको बोलेंगे हम अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन में जो पैसा ज़्यादा आ गया उसको हम रिटर्न कर देते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन में रिटर्न का कोई सवाल ही नहीं है डिफरेंस बिटवीन कॉल इन एरिया एंड कॉल इन एडवांस अगर एक शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा जमा किया अलॉटमेंट का पैसा जमा किया और फ़र्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा जमा नहीं किया तो उसको बोलते हैं हम कॉल इन एरियर यानी कॉल का पैसा नहीं आया और अगर किसी शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा जमा किया और अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का भी पैसा जमा कर दिया तो उसको बोलते हैं हम कॉल पैड इन एडवांस कॉल इन एरियर जब होता है जब कॉल की मनी हमें रिसीव ना हो यानी कंपनी को रिसीव ना हो तो उस वक्त क्या होता है जब शेयर होल्डर बाद में हमें पैसा जमा करेगा कॉल का तो वो हमें इंटरेस्ट पे करेगा क्योंकि वो लेट जमा कर रहा है और अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस में पैसा जमा कर देता है तो हम उसे इंटरेस्ट देते हैं कॉल इन एरियर में कंपनी का फ़ायदा है क्योंकि उसे इंटरेस्ट मिलता है और कॉल इन एडवांस में शेयर होल्डर का फायदा है क्योंकि कंपनी उसे इंटरेस्ट देती है एंड नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक इन सभी क्वेश्चन को अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं इस चैनल पे वन बाय वन वीडियोस अपलोड कर रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर आप इस चैनल के थ्रू स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेलाइकन को ज़रूर प्रेस करें थैंक्स फॉर वॉचिंग